करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, जिसके बाद से अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज हमको स्टॉक में 0.06% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर स्टॉक में ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2854 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको यहाँ इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2768, और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी गिरावट एक हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2682 और 2615 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2890 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 3020, और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेजी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3154 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 3300, और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 3500 और 3700-3800 तक के लेवल्स भी यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।